हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड नेट, जिसके लिए मैंने बुकरम ली है। बुकरम की चौड़ाई है 9 इंच, 9 इंच इसकी चौड़ाई है। ये मैंने डबल फोल्ड की है और उसके बाद जो मैंने इसकी लेंथ ली है वो भी 9 इंच है। ठीक है, अब मैं आपको इस पे नेक काट के बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे 3 इंच और उसके बाद जितनी हमें गले की लेंथ रखनी है वो रखनी है हमें 6 इंच। तो हम 6½ इंच लेंगे, 6 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो सॉरी हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, 6 इंच हमारा फाइनल होगा। तो हम 6½ इंच लेंगे इतना। उसके बाद इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। यहां से और फिर से ऐसे सीधा कर देंगे और फिर हम इसे कुछ इस तरह की शेप देंगे। ऐसे ये देखिए, चौक को ऐसे सीधा लाना है और फिर हल्का सा कर्व देना है बीच में से और फिर ऐसे इसे सीधा कर देना है। उसके बाद जो हम यहाँ से मार्जिन रखेंगे गले का, वो रखेंगे हम 1 इंच का। 1 इंच, एक एक इंच पे मैं पूरे में निशान लगाऊंगी ऐसे। और इस निशान को मैं ऐसे सीधा कर दूंगी। ये देखिए, इसी शेप में जो शेप मैंने गले पे कट की है उसी शेप में मैं इसे सीधा कर दूंगी ऐसे। अब मैं इस पहले इस एक्स्ट्रा बुकरम को निकालूंगी यहां से। ये देखिए, ये हमारा गला कुछ इस प्रकार से होगा। और उसके बाद जो मैं ये डिजाइन बनाऊंगी उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। मैं ये प्लेट डाल के बनाऊंगी ये डिजाइन, मैं आपको इसे बना के बताऊंगी। अब ये देखिए, मैं इसे कपड़े पे, मैंने ये ब्लू कलर का, अभी मेरी कुर्ती है और ब्लू कलर का ही मैंने कपड़ा लिया है। उसके बाद मैं इस गले को राउंडली 6 इंच का मार्जिन रख के यहाँ से शोल्डर पे से और इसे पूरे को सिल लूंगी ऐसे। इसी शेप में मुझे सिलाई लगानी है जैसे ये गले की शेप है। यहां से मशीन को रोक के चलना है। ऐसे अब सीधी सिलाई लगानी है। और जो हमारा ये बाकी का कपड़ा है ये मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूंगी और जो जितना कपड़ा बचेगा उसे मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए, मैंने इस गले को पिन से सेट कर लिया है 6 इंच का यहाँ से मार्जिन देके। और उसके बाद मैंने कुर्ती में भी और इस गले में भी कट लगा लिया है दोनों में। और मैं इसको सीधे कपड़े की तरफ को रख के उल्टे कपड़े की तरफ को पलट दूंगी इसे। अब मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी ऐसे। ऐसे पूरे में सिलाई लगाऊंगी मैं। पूरे में सिलाई लग के तैयार हो गई है। उसके बाद में पिन निकाल के और इसको उल्टे कपड़े की तरफ को पलट दूंगी। इसमें छोटे छोटे कट लगाऊंगी ताकि ये आसानी से फोल्ड हो जाए और इसमें प्लेन बल वगैरह ना आए। ये देखिए, उसके बाद में ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूंगी यहाँ से, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के, और बाकी का कपड़ा मैं कट कर दूंगी।
से, इस तरफ से भी सेम ऐसे ही कट करना है। अब मैं इसमें कट लगाऊंगी। ये देखिए कट मुझे ऐसे कपड़े को उल्टा करके तब लगानी है, क्योंकि जब हम उल्टे करके कट लगाते हैं तो हमारी सिलाई का अच्छे से पता लग जाता है कहां से कहां तक है। कट ऐसे लगाने हैं कि ताकि हमारी सिलाई ना कटे, ऐसे सिलाई से दूर लगाने हैं कट। अब मैं इसे उल्टे कपड़े की तरफ को पलट दूंगी और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूंगी। देखिए ऐसे उल्टे कपड़े की तरफ को ऐसे पलटती जाऊंगी और इस पे सिलाई लगाती जाऊंगी। और बाद में हम इस पे हाथ से तुरपन कर लेंगे। ये धागा निकाल के देखिए ऐसे ही मैं पूरे में सिलाई लगाऊंगी ताकि ये गला जमा रहे। ऐसे मैं इस तरफ से भी ऐसी लगाऊंगी, हम पूरे में लगा के तैयार कर लूंगी इसे। ये देखिए मेरा डिजाइन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये मैंने चौक से इसे डार्क कर लिया है। मैंने हाफ हाफ इंच कपड़ा इधर छोड़ के गले के ऊपर और उसके बाद ऐसे अपनी शेप बनाई है। ये देखिए ऐसे मैंने इसे कर्व दिया है। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए यहाँ से मैं ऐसे हाफ हाफ इंच छोड़ के और मैंने इधर चौक को ऐसे चलाया है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद मैं ये जो मैंने ये कॉर्नर बनाया है ये मैं ऊपर की तरफ ऐसे बनाते हुए फिर ऐसे लाई हूँ ऐसे, और मैंने यहाँ से हल्का सा कर्व दिया है इधर से ये, और फिर मैंने हल्का सा इधर से और फिर से सीधा कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे चौक से अच्छे से डार्क कर लिया था और फिर बुकरम को इसके ऊपर रख के ऐसे हल्के हाथ से ऐसे इसे थपकी सी लगानी पड़ती है ताकि ये हमारे जो ये चौक के निशाने बुकरम के ऊपर आ जाएं। और ये देखिए मैंने इसी का ये पैटर्न काट के तैयार कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे बुकरम को अच्छे से रख के इसके ऊपर जिमेन चौक से डार्क निशान लगाए हैं और हाथ से थपकी लगानी होती है ताकि चौक के निशान बुकरम पे आ जाए और फिर उसी निशान के हिसाब से हमें बुकरम कट करनी होती है। अब मैं इस बुकरम के लिए ये कपड़ा लूंगी, इस कपड़े पे मैं इस गले को बनाऊंगी। अब मैं आपको इसे बना के बताऊंगी। इसी शेप में मैं कपड़ा भी कट कर लूंगी जैसे जैसे मैंने ये डिजाइन कट किया है पैटर्न। अब ये देखिए इस पैटर्न को मैंने इस बुकरम के ऊपर रख लिया है। अब मैं इस पे ऐसे सीधी सिलाई लगाऊंगी। देखिए इसी के हिसाब से जैसे मैंने पैटर्न कट किया था ऐसे मैंने कपड़ा भी कट कर लिया। उसके बाद जैसे यहाँ पे कर्व था तो मैंने इसमें कट लगा लिए हैं ताकि ये आसानी से फोल्ड हो जाए, वरना इसमें बल आएंगे। देखिए ऐसे इस प्रकार से यहाँ से भी ऐसे ऐसे ही मैं इस तरफ से भी कपड़े को फोल्ड कर लूंगी, पल्ली तरफ से भी। और जैसे यहाँ पे कॉर्नर है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर दें, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमें इस तरीके से बनाना है। यहाँ से कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है ऐसे। यहाँ से लाके और फिर पैटर्न को ऐसे घुमा देना है और फिर सीधी सिलाई लगानी है इस तरह से ऐसे। अब मैं इसे पूरे को सिल के तैयार कर लूंगी। ये देखिए मैंने पैटर्न बना के तैयार कर लिया है। उसके बाद जैसे जैसे मैंने चौक के निशान लगाए हुए इस कुर्ती के ऊपर ऐसे ही मुझे ये इसमें अटैच करना है। ये देखिए इसी शेप में ऐसे और ऐसे रख के तब ऐसे घुमाना है। मैं आपको लगा के बताती हूँ। हाफ इंच कपड़ा मुझे इधर छोड़ना है। ऐसे
ऐसे हाफ हाफ इंच कपड़ा हम इधर छोड़ते जाएंगे और इस पैटर्न को लगाते जाएंगे। देखिए इसी शेप में यहाँ से ऐसे इस तरफ को भी मैं ऐसी सिलाई लगाऊंगी और इस तरफ को भी, दोनों तरफ को मुझे सेम सिलाई लगानी है। यहां से ऐसे और फिर इसे ऐसे घुमाना है, ऐसे इसी शेप के हिसाब से हमें ये लगाना है। अभी देखिए मैंने पैटर्न लगा के तैयार कर दिया है, उसके बाद मैंने इस पे लेस भी लगा दी है। अब मैं इस तरफ को लेस लगाऊंगी, ये देखिए ऐसे मैंने इस तरफ को लगाई है, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के ऐसे मैं इस तरफ को भी लगाऊंगी। ऐसे ही कर्व के हिसाब से ऐसे यहां से लेस को यहीं पे मोड़ देना है हमको ऐसे। ऐसे यहां से कट करके और फिर यहीं पे लेस को मोड़ देना है, ये देखिए ऐसे। और फिर इस पे ऐसे सीधी सिलाई लगा देनी है क्योंकि चौड़ी लेस है। और फिर मैं एक और लेस लगाऊंगी इसी के हिसाब से, ये देखिए ये भी मुझे ऐसे ही लगानी है थोड़ी थोड़ी दूरी पर, इतनी दूरी पर लगानी है मुझे, इतनी दूरी पर ऐसे ऐसे और बराबर दूरी देनी है। जितना कपड़ा मैंने इधर छोड़ा है इतना ही मुझे इधर छोड़ना है, देखिए ऐसे। यहां से भी ऐसे ही, ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा गुलाब के सामने बनके तैयार है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मैंने पैटर्न तैयार किया है, मैंने पहले इसे चौक से डार्क किया था, उसके बाद मैंने बुकरम को रख के इसके ऊपर और तब इसे ये पैटर्न बना के तैयार किया है। और उसके बाद मैंने ये इस तरफ को लेस लगाई है और इस तरफ को भी मैंने डबल लेस लगाई है। और उसके बाद ये मैंने व्हाइट कलर की ये बटन लगाए हैं इसमें। अब ये गला बन के तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।